समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगमोहन जी, मेरे साथ आए हुए इतने दूर से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण महेश्वरी, हमारे पूर्व सांसद श्रीचंद जी कृपलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष भगवती झाला, जिला अध्यक्ष महोदय श्री सीपी जोशी, जिला प्रमुख सुशीला जी, जिला अध्यक्ष गाडरी समाज के श्री नारायण जी, मंडल अध्यक्ष श्री रतन जी, इस मंच पर विराजमान श्री अर्जुन जी जीनगर और श्री चुन्नीलाल जी धाकर, श्री रतनलाल जी जाट, श्री बद्री जाट, श्री सुरेंद्र सिंह जी और गाडरी समाज के पधारे हुए सभी राजस्थान के दूर दूर के इलाके से हमारे सब भाइयों और बहनों, और मैं यहाँ स्पेशल कहना चाहती हूँ कि 25 जिला के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, 25 मेरे को बताया, 25 के जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले तो उनको राम राम करना चाहूँगी और उनके साथ साथ पूरे प्रदेश की जो कार्यकारिणी उपस्थित हुई है उनको भी मैं आप सबके साथ साथ आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज सब लोगों ने मिलकर इतना जोरदार कार्यक्रम यहाँ आप लोगों ने किया है। यहाँ साथ साथ चित्तौड़ जिले के सब महानुभाव जो बैठे हुए हैं उनको सब भी प्रणाम। इधर श्रीचंद जी से लेकर नीचे तक सब लोग जो बैठे हैं, कोशिश तो सब कर रहे थे कि हम कैसे नीचे बैठ के जनता में एक होते हैं। बड़ी खुशी की बात है आप लोग सबको देख के, सब महानुभावों को यहाँ देख के और गाडरी समाज के साथ बैठे हुए सबको देख के बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद यहाँ देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम द्वारा मारमी माता के मंदिर के दर्शन करने का मुझे मौका दिया, नहीं तो आप लोग नहीं होते तो मैं कैसे यहाँ पहुंचते। वाकई में किन्हीं किन्हीं लोगों ने मेरे को हमेशा एक ताने मारे कि ये तो वो हैं जो बिल्कुल अपना राज और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देती हैं, भगवान के भरोसे ही उसको चलाती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि इनका आशीर्वाद नहीं होता तो आपका आशीर्वाद नहीं होता, और आपका आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ खड़ी नहीं होती। और इसीलिए जब कोई भी नया मंदिर हाथ आ जाता है तो उसको दर्शन करने से छोड़ती जरूर नहीं हूँ। इसलिए आपने ये मंदिर के दर्शन मारवी माता के करवा दिए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी मेरे पास, अच्छा एक और बात कहना चाहूंगी, बड़े शहरों के लोग देख लो, बड़े शहरों के लोग देख लो कि जब गांव के अंदर कार्यक्रम होता है तो हमारी गांव की माताएं बहनें कैसे निकल के आती हैं। इतनी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ आई हैं, इतनी जोरदार संख्या में आई हैं, आधा हिसाब किताब यहाँ का आपकी माता बहनों का है। और इसलिए मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको देखती हूँ इस तरीके से दुर्गा के रूप में देखती हूँ कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर ये माता और बहनों का यह आना, माता और बहनों का यहाँ शरीक होना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और आप सबको मैं जगमन आपके साथ साथ सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इनको भी परिश्रम करके यहाँ लाने का काम किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर मैं ये कहूँगी कि मुझे मालूम है कि पुलिस वाले मेरी वजह से यहाँ खड़े हैं, परंतु अगर थोड़ा सा या तो आप बैठ जाएं या थोड़ा उधर हो जाएं तो मेरे को भी उनको सबको देखने का मौका मिल जाएगा। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, सब पुलिस वालों को। और मुझे मालूम है कि फोटो वाले भी सोच रहे कि हमारा नंबर कब आ जाएगा। मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके थोड़ा सा आप लोग भी बैठ जाओगे तो हमारे सबका भी इंतजाम यहाँ हो जाएगा। लगा के बैठ जाओ जी, आराम से बैठ जाओ, आराम से। हाँ, सबको शुरुआत में ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी अभी मेरे पास एक बिल आया, इस बिल को मैंने देखा, यह है बिजली का बिल। और जिन्होंने मेरे पास भेजा होंगे गरीब परिवार के, और इन्होंने मेरे को यही कहा कि यह बिल तो आप देख लीजिए, इस तरीके से बिल हम लोगों के पास आ रहे हैं, बिजली तो हमारे पास आती नहीं है, बिजली को हम लोग ले नहीं सकते, किसानों के अंदर हम दे नहीं सकते, काम हम उससे कर नहीं सकते, ट्रांसफार्मर हमारे जले पड़े होते हैं।
इतनी तो मुसीबत, और अगर हम लोगों ने सही समय पे पेमेंट नहीं किया तो हमारे ऊपर ये VCR माम नाम की चीज आ जाती है और हम लोगों को इतना दुखी करके रखा है। ये पूरे गरीब समाज के लोगों को अगर इस तरीके से सरकार उनके साथ व्यवहार करे तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार को कभी कुर्सी पे बैठाना चाहिए? जो सरकार अपने किसानों की ओर, जो सरकार अपने पशुपालक की ओर, जो किसान अपनी महिला की ओर, जो सरकार हमारे बच्चों की ओर ध्यान नहीं देती, ऐसी सरकार को उठा के रखना चाहिए क्या? उस सरकार के बिठाना चाहिए क्या? मैं कहना चाहती हूँ कि चित्तौड़ क्षेत्र बहुत हिंदुस्तान के अंदर जाना माना हो गया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, पर ऐसी चीजों के लिए नहीं जाना माना गया है जिसकी वजह से हम अपना सिर ऊंचा रखें। दुराचारियों की वजह से, ऐसी बातों की वजह से, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर उंगली उठाने वालों की वजह से आज इस तरीके से हम लोगों को कलंकित करने का काम यहाँ चित्तौड़गढ़ के अंदर भी किया है, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर किया है। 9 मंत्री, इस सरकार के 9 मंत्रियों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब मंत्रियों के अंदर एक के ऊपर एक इस तरीके से बातें लग रही हैं कि उनको अपने आप ही रेजिग्नेशन दे के नीचे उतरने की कोशिश हो रही। अरे मैं पूछना चाहती हूं कि अहिल्या बाई इसके लिए क्या कहती? इस अहिल्या बाई की हम पूजा करते हैं, हमारे परिवार सब लगे लगे हैं, इंदौर का परिवार, ग्वालियर का परिवार, ये सब लगे लगे। अहिल्या बाई जहां से आप लोग आए हो, जो आपके वंशज है, ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक करते हैं। और वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने राज किया, परंतु ऐसा राज किया कि उसके प्रदेश के अंदर, उसके क्षेत्र के अंदर कभी अन्याय नहीं था। 36 के 36 कौम को छाती से लगा के उसने काम किया। ऐसी महिला जिसने अपने बेटे को भी अलग कर दिया, परंतु अपने परिवार, अपनी जनता के लिए अपनी जिंदगी देने और अपने बच्चे की जिंदगी को देने का काम किया, ऐसा कभी देखा है कहीं? यह राज, इस राज के अंदर हम अपने नीचे से लेके ऊपर तक को क्या दे पा रहे हैं उसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया? आज मैं देख रही थी कपासन के अंदर, मैं अर्जुन जी आपसे भी पूछ लूं, मैं पता किया यहां से आने से पहले कपासन के डॉक्टर कितने कार्यरत हैं, तो मुझे बताया कि 8 में से 1। राशमी में कितने कार्यरत हैं, तो 4 में से 1। भोपाल सागर में कितने हैं, 4 में से 1। और आप मेरे को यह कह रहे हो कि आप दवाई फ्री वितरित कर रहे हो, आप मेरे को यह कह रहे हो कि जिले के, ये तो मैं एक जगह की बात कर रही हूं, मैंने 181 186 जो भी यात्रा के अंदर मीटिंग की थी, मुझे कहीं भी डॉक्टर सही तरीके से नहीं मिले, मुझे कहीं भी डॉक्टर जितने होने चाहिए थे वो नहीं मिले। और आज अखबार में पढ़ने को यह मिल रहा है कि इलाज के लिए हम लोगों ने नए डॉक्टर कर दिए हैं। कितने डॉक्टर किए हैं? 50 तो PHC खोले हैं और CHC खोले हैं और नए डॉक्टर लिए हैं। अरे कहां है वो नए डॉक्टर? कितने नए डॉक्टर को लिए हैं? और कहां हो रहा है आपका ये जांच? और किधर आपकी फ्री दवाई वितरित हो रही है? कौन से गरीब है जिनके घर में दवाई अच्छी तरह से पहुंची है? है कोई यहां? है कोई? किसी के पास है? बस अखबारों में है। अखबार अगर उठा लो तो इतने बड़े बड़े विज्ञापन है भाइयों। ये पैसा अगर आप लोगों के ऊपर खर्च हो जाता तो मैं मानती हूं हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया है, मैं मानती हूं कि हाँ डॉक्टर आपको मिल जाता, परंतु पिछले 4 महीने से सरकार ने विज्ञापन के ऊपर पैसा खर्च किया है, लगातार इतने से लेके इतने तक विज्ञापन खर्च किए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये पैसा जो आपका पैसा है उनको वापस सरकार में लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहां तक सही है? ये पैसा कहां तक आप लोगों तक लगना चाहिए था, उनके ऊपर लग रहा है, उनके चुनाव में लग रहा है, ये कहां तक सही है भाइयों और बहनों? इतने गरीब लोग हैं, मैं यहां पूछना चाहती हूं कि आप लोगों को कोई भी है जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से कहीं मिला? 1 रुपए किलो के हिसाब से किसी को गेहूं मिला? कहीं मिला? किसी को 50-55 हजार रुपए का जो मकान एक कमरा बनने का है उसके पैसे मिले? और अगर किसी को मिला होगा तो पहला किश्त मिल जाता है, पहला किश्त मिलने के बाद आप उस कमरे को ध्वस्त कर देते हो, और ध्वस्त करने के बाद जब वो सेकंड किश्त के लिए आप पहुंचते हो तो वो कहते हैं रुक जाओ, क्या देने वाले हो? फिर आप दोगे 10,000 रुपया, फिर आपका दूसरा किश्त बड़ी मुश्किल से मिलेगा,
जब तक आपका दूसरा और तीसरा किस्त मिल जाता है तो पैसे 55,000 में से 15,000 रुपए अपन ने उनको दे दिए तो 40,000 रुपए में भाइयों क्या कमरा बनता है, मेरे को ये बताओ तो सही। हर चीज के अंदर रिश्वत, कोई चीज ऐसी नहीं रह गई है ऊपर से लेके नीचे तक रिश्वत। इसीलिए मैं ये लेके आई, आज के अखबार ने लिखा है कि इलाज सिर्फ एक सपना है, इलाज सिर्फ एक सपना है, क्योंकि है नहीं डॉक्टर, कहां से आएगा आपको इलाज। इसी तरीके से आपका खून की जांच करेगा कौन, कोई टेक्नीशियन ही नहीं है, कोई लैब ही नहीं है। लैब के अंदर टेक्नीशियन होने चाहिए, जब खून का जांच करवाना है तो खून की जांच करवाने के लिए कोई दो आदमी तो बैठेंगे वहां। अभी मैंने पता किया तो एक जगह में नहीं 33-34 जगह के ऊपर इन्होंने कॉलेज खोले हैं। वारे सरकार, हम तो चाहते हैं कि आप कॉलेज खोलो, परंतु कहां खोले हैं? किसी धर्मशाला में खोल दिया, तो किसी प्राइमरी स्कूल के 5 कमरे में खोल दिया। अरे प्राइमरी स्कूल चलेगा कि कॉलेज चलेगा? किसी धर्मशाला के 2 कमरे के अंदर खोल दिया, तो किसी के सीनियर सेकेंडरी के 4 कमरे के अंदर खोल दिया। पूरी लिस्ट है मेरे पास। 34 गांव को इस तरीके से खोला गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये ढोंग करने से ये तो ठीक होता कि आपने 4 कॉलेज भी बोल दे दिया होता और वो 4 कॉलेज को खड़ा करके आप दिखा देते लोगों को कि ये लो आपके 4 कॉलेज, इसके अंदर आप पढ़ाई कहां का करना। विश्वविद्यालय की होड़ लग गई, झुंझुनू के अंदर विश्वविद्यालय, आपके उदयपुर के अंदर विश्वविद्यालय। अरे आप बोल दो कहां विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहां है? कोई देखने अगर जाता है तो बेचारा कुलपति एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ है, ना उसके पास जमीन है, ना उसके पास बिल्डिंग है, ना उसको पढ़ाने के लिए बच्चे, तो ये क्या दिखा रहे? मैं ये कहना चाहती हूं कि हम लोग सब घोषणाएं करते हैं। मैंने आपको घोषणा की कि मैं आपको दूसरी लाइन बिजली की दूंगी, महिलाओं को घर के अंदर बिजली मिले इसके लिए मैं अलग से लाइन आपको देने का काम करूं। पहले साल में आपको घोषणा की, और माताएं बहने जब तक मैं सरकार को छोड़ के गई तब तक मैंने आपको अपने घर के अंदर 18 से 20 घंटे बिजली देने का काम किया कि नहीं? और आज वही बिजली जो मैंने आपको दी वो आज मुश्किल से कहा 18 घंटे मिलती थी, आज 6 घंटे मिलती है तो गनीमत है। दो घंटा मिलती है तो गनीमत है। मैं ये पूछना चाहती हूं, सब लोग यहां बैठे हुए हैं, मैंने की घोषणा और मैंने पूरी की मेरी घोषणा को, वो मेरी उपलब्धि थी, पर इन्होंने घोषणा के ऊपर घोषणा और घोषणा के ऊपर घोषणा और आखिर में उस दिन में आके ये बोल दिया आप लोगों को ये तो हमारी घोषणा ही हमारी उपलब्धि है। तो घोषणा तो हम लोग सब कर सकते हैं जी, उन्होंने 22 की तो हम 50 कर सकते हैं, उनने 50 की तो हम 100 कर सकते हैं, और 100 की तो वो 200 कर सकते हैं, परंतु जमीन पे क्या आया ये हमें बताने का कष्ट करें। हमें ये बताएं कि हमने अपनी घोषणा की थी कि हम 5 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, कितने बच्चों को रोजगार दिया? मैं समझती हूं कि 50,000 लोगों को भी रोजगार दिया होगा तो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने घोषणा की कि हम 10 लाख बच्चों को नौकरी देंगे और 5 साल के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरी देके छोड़ा, ये हमारे कागजों के अंदर कोई भी हमको देख सकता है। जब कोई कुछ कहता है तो उसको पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास करने वाला इतना बड़ा परिवार है, इस विश्वास करने वाले परिवार के साथ विश्वासघात नहीं हो सकता। और अगर सरकार करती है विश्वासघात तो उसको उस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। सरकार तो ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सेवा करती है, जो राज नहीं। पर यहां तो 4 साल तक तांडव नृत्य हुआ है, गरीब के छाती के ऊपर नाच लगाया है, और फिर 5वें साल में आके आपके सामने झोली फैला के कह रहे हैं कि हम तो गरीबों के मसीहा हैं, आओ हमारा साथ दो, हम तो गरीबों के ऊपर ही। ये बात बिल्कुल सही है कि ये है गरीबों के मसीहा। मैं अभी कहा देख रही थी तो हमारे ये राहुल गांधी साहब आए थे कुछ दिन पहले, और राहुल गांधी साहब आए तो वो क्या बोल के गए, उन्होंने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गरीब को पसंद नहीं करती। मैं गरीब को नहीं, गरीबी को नहीं पसंद करती। मैं समझती हूं कि गरीबी होना ये पाप है। अगर 65 साल राज किया है तो जिस तरीके से गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर काया पलट हो गया है तो 65 साल के अंदर राजस्थान के अंदर क्यों नहीं हुआ? ये 65 साल भाइयों गाडरी समाज यहां बैठा हुआ है, एक प्रेमी समाज, एक साथ देने वाला समाज, अपने काम से काम लगने वाला समाज। क्या किया, क्या किया सरकार ने?
मैं ये कहना चाहती हूं भाई और बहनों, गरीबी को हटाने का काम 65 साल के 53 साल का राज इस कांग्रेस को दिया गया था। 5 साल मेरा हटा दो, 7 साल भैरव सिंह जी का हटा दो, 12 साल अगर हटा देते हो, 65 साल से 53 साल का राज हम लोगों ने इनको दिया था। और 53 साल के अंदर अगर 15 साल में नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया और शिवराज जी ने 10 साल में करके दिखाया, तो 53 साल में ये कहां रह गए थे और इन्होंने क्यों नहीं करके दिखाया? और आज खड़े होकर आपको कह रहे हैं कि हमको गरीब पसंद नहीं है। अरे हमको गरीबी पसंद नहीं है, ये तो कहते हैं। और मैं कहना चाहती हूं, मैं पढ़ूंगी उनकी बात। उन्होंने कहा विपक्ष गरीब को बोझ समझता है, हम गरीबी को बोझ समझते हैं, गरीब को नहीं। और इन्होंने कहा हम 3-4 रोटी खाएंगे और हम अपने जनता को फ्री दवाई लाएंगे, दिया मिला। और इन्होंने कहा और कांग्रेस को दोबारा लाएंगे। अरे हर चीज पे तो झूठ बोलते हो, कहीं भी तो सही कर आपने बोलने की आदत ही नहीं है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2-4 रोटी नहीं, हम सूखी रोटी नहीं खिलाते, हमारी रोटी होगी पेट भर और उसके साथ साथ हम अपने लोगों को अचार भी खिलाएंगे, चटनी भी खिलाएंगे और सब्जी भी खिलाएंगे, ऐसे खाली खाली नहीं। मैं आपको बता दूं, हम लोग यात्रा कर रहे थे आपके ये पाली इलाके के अंदर, तो पाली इलाके के अंदर हमने बस अपनी रोकी हुई थी, तो रोकी तो एक व्यक्ति हमको साइड में मिला खड़ा हुआ, अपना टिफिन लिए खड़ा हुआ था। हमने कहा कि ये टिफिन लेके खड़ा हुआ है, हमने अपने साथ चोते उनको कहा कि जरा जाके पूछ लो कि अपने टिफिन में क्या लेके आया आज। तो उनने मेरे को कहा ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है, गरीब आदमी खड़ा है और आप उससे पूछोगे कि क्या खाता है वो। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछ रही, मैंने कहा उसको ये पूछ लेना क्योंकि ये जानना जरूरी है, आखिर में तो कह रहे हैं ना किसी चीज की कमी नहीं है राज के अंदर, तो पूछ तो लो उससे बेचारे ने क्या खाया आज। तो हमने उससे पूछा, बोला कि मेरे उसमें 2 रोटी और 1 मिर्ची, मिर्ची और रोटी। मैंने कहा बस आप मिर्ची और रोटी खाते हैं, अचार? उन्होंने कहा साहब अचार हम लोग गरीब लोगों को कहाँ से कोई लाएगा। हमने कहा वो धनिया की चटनी, तो उन्होंने कहा वो धनिया कितना महंगा है आपने देखा, आजकल 100 रुपये किलो मिल रहा है, तो हमारे तो नसीब में धनिया तो है ही नहीं, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए, हम तो नहीं खा सकते। तो मैंने कहा सब्जी? उन्होंने कहा ये भी हमारे नसीब में हफ्ते में 1 दफा मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा प्याज? उन्होंने कहा प्याज आप तो वाकई में, प्याज तो 80-90 रुपए किलो चल रहा है, कहां हमारे नसीब में प्याज होगा। तो मैंने कहा क्या खाते हो? बस 2 सूखी रोटी और हरी मिर्च, और उसके ऊपर वो बेचारा गरीब जिंदा है, और यहां ये कह रहे हैं कि हम 4 रोटी खाएंगे। अरे 4 रोटी है, 2 रोटी है, 3 रोटी है, क्यों नहीं इसके बारे में कुछ करेंगे? और फिर हम कह रहे हैं कि 4 रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को दोबारा लाएंगे। भूल जाओ, ये जनता नहीं खाने की सूखी रोटी, अब 60 साल सूखी रोटी खा के रह गई, कितने के कितने कुपोषण के अंदर मर गए। ये को यहाँ चित्तौड़गढ़ के अंदर ही आप लोगों ने कुपोषण की देखी है, मैंने 12 के अंदर देखे हैं और मुझे मालूम है कि कुपोषण करीबन 44% आज हमारे देश प्रदेश के अंदर है। हम ये पूछना चाहते हैं कि गरीब को आप आगे नहीं बढ़ा सकते और हमको ये सुना रहे हो? अरे हाँ, विपक्ष नहीं चाहता गरीबी को, विपक्ष चाहता है कि गरीबी मिटे, विपक्ष चाहता है कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। और मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि आज देश के अंदर 70% गरीब है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, विश्व बैंक की, और विश्व बैंक कहता है कि 65 साल बाद शर्म की बात है कि आज 70% भारत की जनता बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब हो गए। बताओ भैया, एक राज, एक छत्र राज कांग्रेस का, और एक छत्र राज के अंदर पहले 50%, फिर 60%, फिर 70%, आप लोगों ने गरीबी के अंदर लोगों को पीसने का काम किया। हाँ, बीजेपी नहीं पसंद करती गरीबी को। एक और कागज है, आपको मालूम है कि राजीव गांधी ने कहा था एक दफा अपने समय के अंदर कि हमें बड़ा दुख होता है हमारी जनता के पास, हम पूरा 1 रुपया भेजते हैं और उनको सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं। तो ये महाशय ने कहा, और ये था बांसवाड़ा बाढ़ में, झालावाड़ में भी जब समर्थन में आए थे वो, तो उन्होंने ये कहा नहीं नहीं नहीं, 10 रुपये में से जनता को खाली 10 पैसे मिलते हैं। ये बात तो सही है, कितना माने 9 रुपये 90 पैसे कहाँ जाते हैं भैया, कोई मालूम है किसी को? खुद कह रहे हैं, ऐसे और आ जाए बताने वाले तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ वैसे ही होने वाला है। मैं कह रही हूं 9 रुपये 90 पैसे खुद कह रहे हैं हम अपने मुंह से कि जाता है, और भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान के अंदर फैल गया है। अरे भ्रष्टाचार तो क्या किस्म का भ्रष्टाचार, इस रॉबर्ट वाड्रा को जमीन 10,000 बीघा, और मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा,
जमीन खरीदी उसने, मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, और उसको नहीं मालूम कि रॉबर्ट वाड्रा ने 10,000 बीघा जमीन खरीद ली है, और खरीदी नहीं ली है उसके ऊपर पूरे रूल को तोड़ के आप लोगों ने उसको 10,000 रुपए 10,000 बीघा जमीन दी, और 10,000 बीघा को फिर उसने बेचा, बहुत पैसा बनाया और फिर छोड़ के चले गए पूरे राजस्थान। ये तो एक किस्सा है, कितने किस्से आप लोगों को बताओ, ऊपर से नीचे तक सब लोग उसके अंदर लिप्त हैं। परंतु सबसे खराब बात तो यह है कि जिस प्रदेश के अंदर उसकी महिलाओं की रक्षा नहीं होती, वो प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने देखा है महिला अब सड़क के ऊपर शाम को नहीं जा सकती। मुझे मालूम है कि जब हमारी महिला कहीं जाती है, या उसके बच्चे कहीं जाते हैं, या हमारे बच्चे कभी बिटिया कभी स्कूल या कॉलेज चले जाती है, तो जब तक वो स्कूल और कॉलेज से वापस नहीं आती है, तो इस तरीके से दिल धड़कता है कि हमारी बच्ची वापस आएगी कि नहीं आएगी। क्यों भाई और बहनों? बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि जहां हमारी बहन और हमारी बिटिया की इज्जत को संभाला नहीं जा सकता, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ये एक एक को गिनती करना भाइयों, एक एक को गिनती करना, उसको छोड़ना नहीं है। हमारे किसान भाई, हमारे पशुपालक, क्या दिया पशुपालकों को? मुझे याद है कि जब पशुपालक जहां हमारे क्षेत्र के अंदर हुआ करते थे, तो हमने चला के उन पशुपालकों को उनके बड़े जानवर के लिए, उनके छोटे जानवर के लिए क्रेडिट कार्ड का इंतजाम किया। हमने स्कूल को लगाया कि भाई रस्ते के ऊपर स्कूल हो, ऐसा स्कूल हो जहां ये चलते फिरते जाते हैं तो अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं। हरियाली का स्कूल था, उस हरियाली के स्कूल के अंदर हम लोगों ने जोरदार तरीके से स्कूल बच्चों को पढ़ाया। आज 4 साल से पूरा स्कूल खत्म हो गया है, टीचर चले गए हैं, कोई नहीं है वहां जो उन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? और आज मैं अपने सब भाइयों को यह कहना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों चिंता मत करो, पढ़ाना लिखाना ये आपका काम है, उनको स्कूल में भेजना ये आपका काम है, उनको पढ़ाने का काम हम फिर करेंगे, सरकार करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पढ़ लिख के नौकरी दिलाने का काम फिर हम लोगों का होगा, ये आप लोगों को चिंता नहीं। अरे टेट की परीक्षा, इस टेट की परीक्षा का प्रबंधन करेंगे, इस टेट की परीक्षा का प्रबंधन करके आपको आरपीएससी के द्वारा जिस तरीके से पहले हम लोग नौकरियों का इंतजाम किया था, उस तरीके से फिर आपको नौकरियों इंतजाम देने का काम करेंगे। सरकार को क्या सबसे ज्यादा आप चाहते हो? पानी, पीने का पानी मिलता नहीं है, सब दूर फ्लोराइड है। बिजली, बिजली मिलती नहीं है, किसानों को अगर बिजली मिलती है तो मुश्किल से 2 घंटे और वो भी ट्रिपिंग के साथ। महिलाओं को बिजली मिलती नहीं है घरों के अंदर। सड़क, आप सड़क के ऊपर चल तो लो, आज मुझे हेलीकॉप्टर से चलना क्यों पड़ रहा है जी? क्योंकि वो कहते हैं यहां से वहां जाने के लिए सड़क नहीं है। और जो सड़क मैंने सुराज संकल्प यात्रा के अंदर नापा, जो 14,000 किलोमीटर की सड़क मैंने देखने को मिला, मैं कह सकती हूँ भाइयों और बहनों कि 4 साल 4.5 साल के अंदर एक भी रत्ती भर पैसा उस सड़क के ऊपर नहीं लगा। ऐसी हालत उन सड़कों की है, वो आप लोगों ने भी देखी है तो आपको भी मालूम, आप लोग नापते हो ना तो आपको मालूम है। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि युवा, किसान और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार करेगी। और गाडरी समाज जिसने हमको इतना प्यार दिया है, उस गाडरी समाज को मैं वादा करती हूँ कि आने वाले सरकार के अंदर आप लोग सबका अंशदान रहेगा, आप लोग सभी सहभागी रहेंगे। सब लोग होंगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये बड़ी रोटी है सरकार की, इस बड़ी रोटी की वो सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति नहीं खाएंगे, इस बड़ी रोटी के अंदर सब हिस्सेदार होंगे, सब खाएंगे, सबको लगेगा कि हमारा राजस्थान है, सबको लगेगा कि इस राजस्थान के लिए हमको कुछ करने की जरूरत है, तब तो नया राजस्थान बनेगा। एक ऐसा स्वाभिमानी राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसको देखने के लिए दूर से लोग आएंगे, एक ऐसा राजस्थान जिसमें आप लोगों को गर्व होगा कि यह मेरा प्रदेश है, ये मेरा प्रदेश है, और इस प्रदेश के अंदर हम लोगों की ये वक्त है आपके स्वाभिमान और इज्जत को बनाने का काम हम करेंगे। ये विश्वास आपको सबको दिलाना चाहती हूँ। नया राजस्थान एक व्यक्ति से नहीं बनता, नया राजस्थान आप सबसे बनता है। नया राजस्थान के अंदर 36 के 36 कौम होंगे, नए राजस्थान के अंदर सब मजहब का काम होगा। अब बताओ नया राजस्थान चाहिए किस नर्रे में अपने को पड़े रहना है? नया राजस्थान चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर रख के मेरे को बताना और मेरे को एक जोरदार नारा उसमें दे देना, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।
अंदर दिल के अंदर वो कसक होनी चाहिए और आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये जय जय राजस्थान जिसकी आवाज हम उठा रहे हैं उस राजस्थान के लिए हम सब काम करने को तैयार हैं। और आप भी इस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगे, हम लोगों के साथ काम करोगे तो आपका भी हिस्सा इसमें रहेगा। ये विश्वास आपको सबको दिला के बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार सबको। एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद।